Hello and welcome to the Healthcare Heroes Awards. And today we have with us actor, dancer, and a Masiha who helped the people of Uttarakhand brave the pandemic through sheer hard work and perseverance. Please welcome Raghav Juyal. Thank you very much. Thank you. तो राघव, मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है, आपको कब और कैसे पता लगा कि आपको इस पैंडेमिक में सेकेंड वेव के टाइम पे आपको खुद लगना पड़ेगा? मुझे कब और कैसे लगा कि ये लगा कि क्योंकि हमारी मैं वहीं पर था सेकेंड वेव में, घर पे ही था और पूरे न्यूज चैनल्स में जो हालात थी घर वहां पर वो कहीं दिख नहीं रही थी बाहर, मतलब बेसिकली लोगों को पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है वहाँ देहरादून में और उत्तराखंड में, जिस तरह से वहाँ की स्थिति है अभी तक कहीं 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 जगह तो हॉस्पिटल्स नहीं है, कहीं कहीं गाँव में आपको पता ही है कैसा क्या स्टेट है और क्या हालत है वहाँ की, तो वो कोई बाहर बात नहीं कर रहा था उसकी, तो उस बात का मुझे बड़ा ही एक क्या बोले गम था उस बात का। बाकी सब यंगस्टर्स बाहर थे, वॉलंटियर्स बाहर घूम रहे थे, तो मुझे अजीब लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ये दूसरा मुझे भी कोविड हो गया था, तो मैंने बहुत महसूस किया है वो कोविड की कितनी मुश्किल होती है लोगों को, तो मुझे कि यार मुझे रुकना चाहिए और ये यंग हूँ और इस एनर्जी को काम पे लगाना चाहिए। और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से हमने बातें करी थी गुजरात में, कुछ सिलेंडर्स वहां से आ रहे थे किसी के लिए, यू नो किसी को, किसी की बेटी के लिए मेरे को वीडियो, मैंने वीडियो बनाई, उनसे बात करी, किसी के बूढ़ी नानी है उनसे बात कर ली, उनको अच्छा लग गया, तो ऐसे कर करके मैंने फेवर्स दिए और लिए दिए, ऐसी दुनिया चलती है जी। कोलैबोरेशन से, तो वो कोलैबोरेशन से हुआ, काफी फंड्स आए, फिर हमें हमने फंडिंग करी, हमने वीडियोस बनाई फंडिंग की, तो काफी फंड्स आए। यंग थे यार, मैं कुछ नहीं कर रहा था उस वक्त, तो मेरे को लगा जाना चाहिए बाहर, और क्या, कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने ही किया है, बहुत लोग थे यार, बहुत लोग बाहर थे। तो राघव एक बात बताइए, इस वायरस के खिलाफ, इस जंग में, इस लड़ाई में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? यार चैलेंजेस मेन ये लगे थे कि हम उत्तराखंड एक बहुत ही डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल कंडीशन वाला स्टेट है। आपको पता है उत्तराखंड में आए दिन कभी बाढ़ आती है, कभी बादल फट जाता है, कभी रोड भूस्खलन हो जाता है जी। तो हमें ये था कि हम लोग कैसे चीजें कैसे पहुंचाएंगे, तो हमने क्या किया, हमने ADC2 तो गवर्नर है और गवर्नर ने हमारी बहुत मदद करी और उनका नाम है रचिता जियाल, हम सारी चीजें लाते थे एंड शी यूज्ड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट का करना है, कौन से क्षेत्र में करना है, पौड़ी कौन सा जाएगा, कुमाऊं कब जाएगा, जौनसार कौन सी चीजें जाएंगी, कहाँ पर जरूरत है असली, वो उनके पास सारी चीजें आती थी क्योंकि उनके पास क्लियर चीजें आती थी बेसिकली जी। और बहुत ही मन लगा के उन्होंने पर्सनली हमारी हेल्प करी, ऐसे करते करते लोग जुड़ते रहे और कारवां बनता गया, वो है नहीं एक शेर, हम चले और लोग जुड़ते रहे, तो वैसे ही हुआ जी। और उन्होंने बहुत हेल्प करी है, ADC2 तो गवर्नर और तो रचिता मैम है और रचिता है और मेजर मोदित दोनों ने। Awards and recognition of work for heroes like you and the other COVID heroes, कितना important है ऐसी encouragement और ऐसी awareness का? बहुत important है, especially youngsters के लिए बहुत important है, एक बच्चा जो होता है अगर वो मेहनत कर रहा है चीज में और पापा मम्मी आके बोलते वेरी गुड बेटा जी, अगली बार और अच्छा करना, इस बार तुमने बहुत बढ़िया किया, कोई दिक्कत, इससे क्या होता है कि और उससे एक और क्या बोलते हैं एनर्जी आती है कि हाँ हम ये चीज सही कर रहे हैं, ये कुछ सही है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारी सरकार या हमारे आसपास के लोग जर्नलिस्ट हमें देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं। बट एक उसमें से जो मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट से निकालूंगा कि उस वक्त सब लोग बाहर थे और सब लोग एक साथ होकर सबने एक दूसरों की मदद की है, जब लोग हॉस्पिटल मुसीबत में लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे, कोई नाम नहीं पूछ रहा था, वो सिर्फ ये देख रहे थे उसको जरूरत है, तो ये एक हिंदुस्तान मुझे दिखा जो ये जो अंदर रूटेड एक जो हिंदुस्तान जो है ये है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो अभी वो देख के जब मैं, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड था जी, मैंने ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी है और लोग कमाल कमाल छोटे छोटे यार 16-17 साल के लड़के लड़कियां दोनों, मतलब सब लोग बाहर थे और अपनी जान की परवाह करे बिना एक दूसरे की मदद कर रहे थे, तो देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि यार हम बोलते ना दुनिया कलयुग आ गया है, दुनिया बेकार हो गई है, मेरे को उस पैंडेमिक में ऐसा लगा, ऐसा नहीं है यार,
बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत काइंड लोग हैं इस दुनिया में. So thank you so much Raghav for joining us today and being here with us today. आपकी जो किस्से हैं, आपकी जो कहानियां हैं, जो आपने कोविड पैंडेमिक के टाइम पे काम किया वो बहुत ही सराहनीय है. लोगों ने आपसे बहुत प्रेरणा ली है. I hope and I wish the best of luck to you. हम चाहते हैं कि आप ये जो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं कोविड के लिए, कोविड के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आप लगे रहे, आपको बहुत सारे फंड्स मिलते रहे. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.